मैं नीसा भाटी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पम-पम वाला डोर हैंग बनाना बताऊंगी न्यू डिजाइन में। ये देखिए, जिसमें हमें सामान की जरूरत होती है वो है, ये देखिए मेरे ये थोड़ी मोती है। ये जो सामान मैं इसमें लगा रही हूँ, ये सारा सामान मार्केट में मिल जाता है। ये देखिए, जो ये मैंने मोती लिए हैं और ये मेरी पत्तियां हैं जो मार्केट में, ये भी आसानी से मिल जाती है। देखिए, मैंने गणेश जी का, ये हमें अलग अलग भगवान के उसमें मिलती है, ये मैंने गणेश जी का लेके आई हूँ, आप कोई भी ले सकते हो। इसमें ये पत्तियां हर उसमें मिलती हैं। देखिए, मैंने लक्ष्मी और गणेश जी के मैं दो लेके आई हूँ इसमें, और ये जो कि हमारे दरवाजे पे बहुत शुभ माने जाते हैं, आज मैं आपको उससे डोर हैंग बनाना बता रही हूँ। देखिए, ये मेरी घंटियां हैं, ये भी मिल जाती हैं। ये देखिए, मैंने ओन्स जिससे मैं पम-पम बनाना बताऊंगी आपको, सीजर और सुई और धागा। धागा इसमें थोड़ा मजबूत लेना है ताकि हमारा ये बाद में टूटे ना। अभी देखिए, अब मैं सबसे पहले बताऊंगी आपको पम-पम बनाना। ये देखिए, पम-पम किस तरीके से बनाते हैं। मैं छोटा पम-पम बना रही, तो ऐसे हम तीन उंगली से इसे इस तरीके से उनको, ये मैंने ऊन ली है, ये देखिए उनको हम इस तरीके से, आप जितना बड़ा बनाना चाहें उतनी आप ऊन तीन उंगली के अंदर लपेटें इस तरीके से। ये देखिए, अब इसको हम इधर से निकाल देंगे और इसको कट कर देंगे इधर से, और हमें एक अलग से धागा लेना है इसको बांधने के लिए। देखिए, ये धागा हम लेंगे इधर से और इसको इधर से मैं टाइट कर दूंगी। ये मैं आपको छोटे वाले पम-पम बनाना बता रही हूँ। अब ये जो मेरे एक्स्ट्रा हैं इधर से, जो कि मैंने उंगली में, इनको मैं कट कर दूंगी इधर से। देखिए, इधर से भी देखिए इस तरीके से, जो मेरे एक्स्ट्रा हैं इनको हम भी, किस्म को भी हम कट कर देंगे। ये देखिए, इसको हम इस तरीके से गोल कर देंगे और इस तरीके से हमारा ये पम-पम बना बन के आया। और ये देखिए, ये मैंने इसी तरीके से मैंने पास सारे पम-पम बना, ये मैंने, मुझे ये 10-12 पम-पम बनाने हैं। अभी देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये डिजाइन बताऊंगी जो कि मैंने आपको बनाया, कि मैंने रखा हुआ है वो मैं आपको बताऊंगी, ये हम किस तरीके से बनाते हैं इसको। ये देखिए, सबसे पहले हम दो घंटियां लेंगे, दो हम एक साथ ही डालेंगे इसमें इस तरीके से, और इसको हम इधर से निकाल देंगे देखिए, ताकि हमारा ये टाइट हो जाए। एक बार और निकाल देंगे हम इसको, ये देखिए मैंने इधर से हमको इस तरीके से ये डाल लेनी है, और फिर मैं अपना इसमें मोती डालूंगी। ये देखिए, और फिर मैं अपना ये वाला मोती डालूंगी, और फिर मुझे एक इसमें पम-पम डालना है। देखिए, इस तरीके से पम-पम डाल लिया है मैंने इसमें, और फिर से मैं एक मोती डालूंगी इसमें। ये देखिए, ये मेरी मार्केट में, ये जहाँ से हम वायर वगैरह खरीदते हैं उसी दुकान पे ये सारा सामान मिल जाता है। ये देखिए, इस तरीके से डिजाइन आएगा इसका कुछ बनके। और ये जो कि मैंने आपको बताया था, ये गणेश जी का, इसको भी हम इसी में अटैच करेंगे। ये देखिए, हम किस तरीके से अटैच करेंगे, ये हमको, ये जो हमारा दिल शेप में है, ये हमारा लव शेप में है, तो हम इसको नीचे से करेंगे, मतलब कि पहले हमको नीचे वाला हिस्सा लेना है इसका। इसमें हम सुई डाल के, देखिए सुई को डाल के, और इधर हम इसे पक्का कर देंगे। ये देखिए, मैंने इधर से मजबूत कर लिया। अब इधर को, इससे हम, इसको हम इधर से कट कर देंगे। अब कट करने के बाद
हमें ये फिर अलग से धागा डालना है ऊपर की तरफ, हम इसे हमारी हम ये शेप आएगी इस तरीके से, तो हमें ये अलग से अगर हम इधर से धागा डालेंगे तो हमारा ये सफाई से बन के नहीं आएगा, तो हमें इधर से अलग से सुई में धागा डाल के तब हमें ये नीचे, जैसे मैंने नीचे की तरफ बनाया था ऐसे ही मुझे ये फिर से बनाना है। ये देखिए इसको हम टाइट कर देंगे इधर से निकालने के, दो बार मुझे इधर से निकालना है ये। इधर से निकालने के बाद अब ये देखिए फिर से मैं एक, ये देखिए इसमें से मैं ये, एक तो मुझे इसमें मोती डालना है और एक मुझे इसमें रिंग डालनी है। ये देखिए ये मेरी रिंग टाइप में है छोटी वाली, ये सारा सामान मिल जाता है। अब इसमें मैं फिर से पम्पम डालूंगी, पम्पम मुझे उस तरीके से शेप देनी है इसके बिल्कुल बीच से, ये देखिए, ताकि हमारा अच्छे से सेट आ सके ये। और इसमें मैं फिर से एक मोती डालूंगी और एक रिंग डालूंगी, ये देखिए इस तरीके से बन के आएगा ये। अब इधर से मैं इसे टाइट कर दूंगी। अभी देखिए मैं एक मोती और डाल दूंगी इधर, और इसको हम इधर से ही निकाल लेंगे, ताकि हमारा ये हम इसको हम लड़ी के अंदर डालें डोर हैंगिंग के अंदर, तो हमारा ये अच्छे से सुई से ही डाले। हमें थोड़ा सा गैप देना है, इधर से हमको ये डालना है। अब इसको मैं इधर से कट कर दूंगी, ये देखिए इस तरीके से मेरा ये बन के आया है, इस तरीके से मैंने इसको बनाया है। और इसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको ये बताया है बनाना, और उसी तरीके से मैंने इनको भी बनाया है। ये देखिए मैंने पूरे बना लिए हैं ये, ये देखिए सेम ऐसे ही बनाने हैं जैसे कि मैंने आपको एक बनाना बताया, उसी तरीके से मैंने इनको बना लिया है। अभी देखिए मैंने मुझे 8 बनाने थे, मैंने 8 बना के तैयार कर लिए हैं ये। देखिए मैंने 8 बना के सेम ऐसे ही जैसे मैंने आपको तरीका बताया उसी तरीके से बनते हैं ये। अब मैं आपको ऊपर का ऊप के वो हम किस तरीके से बना के और इनको हम अटैच करेंगे पत्तियों को। अभी देखिए सबसे पहले मैं सुई में धागा पिरोने के बाद, अभी देखिए मेरी ये रिंग है, ये जो हमारी चावी वगैरह की छल्ले की रिंग आती है वो मैंने इसमें रिंग डाली है, ताकि हम इसको डोर पे हम इसको टंगा सके तो हमारा अच्छे से सेट आई है। ये देखिए मैंने एक रिंग डाल के अब इधर से धागे को पक्का कर दिया है, और मैंने इसमें मोती भी डाले हैं। ये देखिए मोती मैंने किस तरीके से डाले, इसमें मैंने 12 मोती डाल के और एक रिंग डाली है, और रिंग के बाद मैंने एक पम्पम डाला है। पम्पम के बाद अब ये देखिए फिर से मैं इसमें मोती डालूंगी, अभी देखिए मैं इसमें एक मोती डालूंगी और फिर मैं इसमें एक रिंग डालूंगी, और रिंग डालने के बाद मुझे इसमें 6 मोती डालने हैं। ये देखिए 6 मोती डालने हैं मुझे रिंग डालने के बाद इसमें, 2 एक साथ ही डाल लेंगे हम सारे मोती इसमें। ये देखिए 6 मोती, इस तरीके से 6 मोती डाल के, और जो मैंने कि आपको बताई थी ये पत्ती किस तरीके से बनती है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था इधर से धागा छोड़ते हैं हम सुई में डालने के लिए, अगर हम इसको इस तरीके से डालेंगे तो इसकी शेप नहीं आएगी बनके, तो मैंने इधर धागा छोड़ा है। ये देखिए मैंने इसमें हम सुई के अंदर इसको डाल सके तो मैंने धागा छोड़ा है इधर भी। ये देखिए मैंने इधर धागा छोड़ने के बाद मुझे अब इसमें फिर से मुझे इसमें 6, ये देखिए पक्का करने के बाद फिर से मुझे इसमें 6 मोती डालने हैं। अब मुझे इसमें फिर से 6 मोती डालने हैं, ये देखिए 6 मोती। मेरा समझाने का मतलब ये है आपको कि जैसे कि मैंने 6 मोती इधर डाले हैं, और 6 मोती मैंने इधर बीच में मुझे 20 सेंटर में, जैसे 6 और 6 के बीच में मुझे 20 सेंटर में ये अपना बनाया है जो मैंने पत्ती, उस तरीके से मुझे ये डालना है, और पम्पम ही मुझे साथ साथ डालते हुए चलना है इसमें। अब मैं इसमें फिर से एक रिंग और एक रिंग डाल दूंगी मैं इसमें, और फिर मैं इसमें पम्पम डालूंगी।
ठीक है, रिंग के बाद मोती डालने के बाद फिर से मुझे इसमें पम्पम डालना है। पम्पम को हमें उस तरीके से डालना है बीच सेंटर से, ताकि हमारा ये अच्छे से सेट आ सके। अगर हम इधर उधर से डालेंगे तो हमारा ये सेट नहीं आएगा। जो मैंने धागा लिया है ये मेरा पक्का धागा है ये। अब ये देखिए फिर से मुझे इसमें मोती डालने हैं, एक मोती। अभी देखिए जो हम ये पूरी लाइन बनाएंगे मोती डाल के, मुझे इसमें 12 मोती डालने हैं। टोटल इसमें मुझे 12 मोती डालने हैं। देखिए 12 मोती डालने के बाद इसमें मुझे ये पत्ती नहीं डालनी है बीच में, एक में मुझे पत्ती डालनी है और एक मुझे खाली छोड़नी है। मतलब मेरा समझाने का मतलब ये है, जैसे कि मैंने इसमें पत्ती डाल दी है, अब ये लाइन जो मैं बना रही हूँ 12 मोती की, इसमें मुझे ये पत्ती नहीं डालनी है, फिर दूसरी में मुझे ये पत्ती डालनी है, एक मुझे बीच में खाली गैप देना है। ये देखिए इधर से, और मैं एक रिंग डाल लूंगी इसमें, और फिर मैं एक इसमें पम्पम डाल लूंगी। और अब मैं इसमें पम्पम डालूंगी। ये देखिए इस तरीके से मेरा ये डिजाइन आएगा बनके। अब जैसे कि मैंने इधर से ही मैंने इसमें रिंग नहीं, ये पत्ती नहीं डाली है, जो कि मैंने आपको बनानी बताई थी घंटी की, ये मेरे को इधर नहीं डालनी है। इधर मुझे ये पूरी खाली छोड़नी है, बीच में मुझे 12 मोती, 2 रिंग और 2 पम्पम डाल के खाली छोड़ देना इसको। और इसमें मुझे बीच में 6 मोती इधर, 6 इधर, और बीच में मुझे ये पत्ती डालनी है। इधर से मुझे ये जो मैं इधर हम पत्ती नहीं डालेंगे, इधर मैंने मोती ही डाले हैं। इधर मेरे 9-10 मोती हैं, इधर मैंने डाली है और ये मैंने छल्ला डाली है। इसी तरीके से मुझे ये बनानी है। अब जैसे कि मैंने इधर बनाया था, ऐसे ही मैं इधर भी बना के इसे तैयार कर लूंगी। फ्रेंड इस तरीके से डिजाइन आया है मेरा ये बन के, ये देखिए इस तरीके से। अब मैं फिर से इसमें 6 मोती डालूंगी। ये देख 6 मोती डालने के बाद मुझे इसमें एक रिंग डालनी है। अभी देखिए मोती डालने के बाद फिर से मैं अपनी पत्ती डालूंगी इसमें। ये देखिए ये मैंने इधर से हर किसी में मैंने इसको छोड़ दिया है, ये देखिए इस तरीके से। और मैं इसमें फिर से मोती डालूंगी 6 मोती। ये देखिए फिर से मैं 6 मोती डाल दूंगी इधर। देखिए इस तरीके से। और अब मैं इसमें एक रिंग डालूंगी, और रिंग के बाद मैं इसमें एक पम्पम डालूंगी। पम्पम मुझे मैंने आपको बताया 20 सेंट। ये देखिए रिंग के बाद मुझे एक मोती डालना है, ताकि हमारा ये जो पम्पम है ये अच्छे से सेट आ सके। देखिए 20 सेंटर से मैंने इसको डाल दिया है। ये देखिए इस तरीके से इसका डिजाइन आया है बनके। अब मैं देखिए फिर से मैं एक मोती डालूंगी, और फिर मैं इसमें एक रिंग डालूंगी। रिंग डालने के बाद मुझे इसमें 6 मोती फिर से डालने हैं। ऐसे ही मुझे ये बनाते हुए चलना है, 6 मोती मुझे इसमें फिर से डालने हैं। ये देखिए फिर से हम इसमें 6 मोती डाल लेंगे। इसको डालने के बाद ये देखिए मैंने 6 मोती डाल लिए हैं। अब मुझे ये देखिए फिर से मैं अपनी एक रिंग डालूंगी, और रिंग के बाद मुझे इसमें एक पम्पम डालना है। देखिए अब इसमें हम पम्पम डाल के, और इसको हमको ये इसी तरीके से बनानी है। ये देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया है, इसमें मुझे इसमें बीच में गैप देना है। मतलब कि जैसे कि मैंने 6 मोती इधर दिए, 6 इधर, और बीच में मैंने इसको पत्ती को डाला है बना के। जैसे मैंने आपको बताया था बनाना, उसी तरीके से ये बनता है। अब मैं इसको पूरे को बना के इसे तैयार कर लूंगी इसी तरीके से। कि फ्रेंड मैंने अपनी ये पूरी बना के तैयार कर ली है। अब जो मेरी रिंग है, जैसे कि हम इसको हम दरवाजे में अटैच करते हैं, उस तरीके से मैं आपको ये देखें हम किस तरीके से इसे डालेंगे, ऐसे निकाल के सुई को, और मुझे पक्का कर देना इधर से।
ये देखिए टाइट कर देंगे हम इसको इधर से बिल्कुल। सूजी मैंने निकाल दिया है। इधर से ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको बना दिया है पूरा। फ्रेंड ये मेरा डोर हैंगिंग आपके सामने बनके तैयार है। पम्पम वाला डोर हैंगिंग मैंने बनाया है। ये देखिए इस तरीके से इसकी शेप आई है बनके। इसमें मैंने ये देखिए लक्ष्मी जी गणेश जी मैंने हर किसी भगवान जी की इसमें मूर्ति दी है अपनी पत्ती में। इसको दरवाजे पे लगाने से बहुत शुभ माना जाता है। अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।